नफरत करते ना आप मुझसे, मुझे सजा देना चाहते ना, जो करना है कीजिए। इन सब में उस बेचारे जतिन की क्या गलती है? उसे क्यों घसीट रहे आप बीच में? कार्तिक, मैंने तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार किया, मैं हमेशा आपसे प्यार किया है। जतिन और मेरे बीच में कुछ नहीं है। आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, ये क्या कर रहे आप? ये सब क्या है कार्तिक? क्या हुआ यहाँ? सब बता दो, पहले तुम कुछ खा लो, खाली पेट दवा नहीं खाते प्लीज। कार्तिक, मेरे कपड़े कपड़े किसने बदले? बोला ना कि बताऊंगा, पहले तुम कुछ खा लो ना, दवाई लो। मैं कुछ पूछ रही हूँ कार्तिक आपसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, तो ये खा लो। ओके बाबा, बताता हूँ। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया और सिर्फ पिया ही है, और जब सब पीते हैं तो बहक जाते हैं। तुमने पहली बार शराब पी थी और तुम बिल्कुल भी होश में नहीं थी। सच कहूँ सुरभि, एक तरीके से अच्छा ही है कि तुमने पी ली थी, वरना कल रात को वो सब कुछ नहीं होता जो हुआ। और फिर हमारे बीच में जितने भी किले शिकवे थे वो कभी भी दूर नहीं होते, हमारे बीच की दीवार वो कभी भी नहीं गिरती, और अब हमारे बीच में कोई भी इश्यूज नहीं है। और कल रात को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। Thank you, sir. Thank you so much. कार्तिक, कल रात को क्या हुआ? Mm-hmm.
हुई जो होना नहीं चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? कल रात को कनक को क्या कर दे? कल रात को हमारे बीच जितनी भी दूरियां थी सब मिट गई सुरे, तुम और मैं फिर से एक हो गए सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती करते, ऐसे नहीं हो सकता। सुरवीर, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की और तुम काफी नशे में थी और मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? सुरवीर, मैं कैसे रोकता? मैं खुद भी तो नशे में था और तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, बाहर रास्ता भी खुल गया है। जो होना था वो हो गया, अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कपड़े सूख गए, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? मैं चाहे जितनी भी नशे में क्यों ना हूं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? नहीं करते, ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सुरभि, तुम सही कह रही हो, पर रात को जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है कि वो गलत नहीं था। जो होना चाहिए था वही हुआ। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तैयार होके आ जाना। म्यूजिक सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अफ़्रिसा। अगर तुम्हें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो उसका गुस्सा रेडियो पे क्यों निकाल रही हो? उसकी क्या गलती है? बार बार ना आप ये कहना बंद कर दीजिए, कोई गलती नहीं हुई है और कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच। और वैसे भी मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ठीक है, एज यू से, जो कुछ भी हुआ मुझे उसको साबित करने की जरूरत नहीं है और ना ही अच्छा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो वैसे सब कुछ भूल जाते हैं, पर सच तो ये कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कहानी यहाँ से जाएगी तो जाएगी कहाँ। फिर भी कल रात को जो भी हुआ उससे सब कुछ बदल गया है, भले ही तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ बदल गया है। I'm sorry, वो थोड़ा सा आगे निकला है, मैं अभी भी थोड़ा लॉस्ट हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारे घर को पीछे छोड़ा है। कार्तिक, मैं दुपट्टा छोड़ो।
पापे खेल खेलते हैं इंसानों के साथ, उनके मन में क्या चल रहा होता है कुछ नहीं पता। चाहते क्या है वो आखिर, कुछ समझ में नहीं आता। रोज नया कुछ लिख देते हैं हमारी जिंदगी में, पर जो भी लिखते हैं ना सुरभि, उसे दिल से जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास। आज ये बेतुका पागलपन लगे, पर कल शायद वही जाके एक नई जिंदगी का आधार बने। बप्पा की मर्जी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुरभि, कल जो कुछ भी हुआ उसमें भी शायद बप्पा की कोई रजा हो। एक तरीके से अच्छा ये है कि तुमने पी ली थी, वरना कल रात को वो सब कुछ नहीं होता। जो हुआ अब हमारे बीच में कोई भी इश्यूज नहीं है। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? सुनिए, मैं कैसे रोकता, मैं खुद भी तो नशे में था और तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मामा, आपको पता है आज मैंने बहुत मजे करे। मैं मूवी भी देखने गई, फिर मैंने डांस किया, फिर हमने छुपन छुपाई भी खेली। मामा, आप सुन भी रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो फिर बताओ कि मैं क्या बोल रही थी। ए छोटू, क्यों मामा को तंग कर रही है? अभी भी तो बाहर से आई है ना, थक गई होंगी, उन्हें सेटल तो होने दो। तब तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो, उसके बाद मेरे साथ बाहर जाना है ना। गुड गर्ल। कल रात को तुम और मैं फिर से एक हो गए। सॉरी, क्या हुआ सुरभि, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जतिन, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है, हर चीज में मतलब निकालने की क्या जरूरत। कुछ नहीं हुआ। अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें सुरभि, और उस कार्तिक को भी। चेहरे पे परेशानी साफ साफ झलक रही है तुम्हारी, और इसकी वजह तो सिर्फ एक ही हो सकती है। फिर से भाई, उसने फिर से कुछ किया? क्या हुआ है सुरभि, बोलो। कल रात को हमारे बीच जितनी भी दूरियां थी वो सबमिट किए सुरभि, तुम और मैं फिर से एक हो गए सुरभि। बताओ। कुछ नहीं हुआ जतिन, और कुछ नहीं किया कार्तिक ने, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं खुशी को लेकर कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। बारिश में सड़क टूट गई थी? शुक्र है पापा का तू घर आ गया वापस। वैसे कल का दिन ही भारी था। क्यों, कल भी कुछ हुआ था क्या? कार्तिक, मैं बेसिक प्लान ही बताती हुआ क्या था। वो ताई नाराज हो गई थी, उन्हें लगा कि लता काकी वापस से इन पर डाउट कर रही है। नहीं, पर अब सब कुछ ठीक है। जो भी गलत फहमी थी वो दूर हो गई। अब मैंने ताई से माफी मांग ली है कार्तिक, और ताई ने भी मुझे माफ कर दिया। उनका बड़प्पन है ये। आई, आप भी ना दिल दुखा दियोगा अपने ताई का। क्या जरूरत थी उनके साथ ऐसे बिहेव करने की? हेमा, ओ हेमा, पेट दुख रहा है, कोई दवा? अरे कार्तिक, तू कब आया? बस ताई, मैं अभी भी आया। कल जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। पागल जैसी बात मत कर, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। समझदारी की बात है उन बातों को खत्म करना, ना कि खींचना। और मेरे लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचता है।
तू मुझ पर विश्वास करता है, मुझे मानता है, मेरे लिए इतना ही काफी है कार्तिक। दरअसल हुआ क्या था कल? नहीं ताई, आप यही रुकिए, आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। ताई की गारंटी मैं लेता हूं, मुझे यकीन है ताई पर, और इस बात को भी मानता हूं कि ताई हम सबका भला चाहती है, ये कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। पर आई, आप दोबारा ऐसा थॉट अपने मन में मत लाइएगा, और ये बात मैं आई से नहीं, आप सबसे साफ साफ कह रहा हूं, ताई हम सबका भला चाहती है, हमारे लिए अच्छा सोचती है। ताई पे शक करने की गलती कोई भी नहीं करेगा, आप सबको मुझसे वादा करना है। हेलो, तुम अभी भी उसी बारे में सोच रही हो ना मेरी तरह? देखो सुरभि, जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, सब कुछ एक तरफ और काम एक तरफ, हम दोनों के लिए काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम ठीक एक घंटे के बाद ऑफिस पहुंच जाना मीटिंग के लिए। जी हाँ, मैंने बोल दिया था उनको। एक मिनट कार्तिक, वो जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती, मुझे बात करनी आपसे उस बारे में। Listen, I'll call you back. सुरभि, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा वो सब भूलना जो हमारे बीच में हुआ, पर क्या कर सकते हैं इस बारे में, उस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। देखो, हमारे बीच में जो भी हुआ वो सब पहली बार तो नहीं माना। ये आप क्या बोल रहे? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं, सुरभि अब हो गई गलती और दोनों ने एंजॉय किया ना। मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, इसका दोष भी तो मुझ पे डालोगे? प्लीज सुरभि, इट्स ओके यार। हेलो, आओ उन सबको अंदर भेजो। ऑलराइट, हाय। क्या हुआ सुरभि? सब सब ठीक तो है? खुशी, कैसी बेटा? प्रिया, खुशी तुम यहां ऑफिस में कैसे आ गई? स्कूल से यहां कैसे आई तुम? मैंने बुलाया ना, स्कूल से स्पेशल परमिशन ली, खुशी की बात करनी है तुम लोगों से। खुशी बेटा, तुम चाहती थी ना तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो जाए? और तुम सब एक परिवार की तरह साथ साथ रहो। उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। Your wishes my command, beta. Consider it done. आने वाले एक महीने में तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो जाएगी। Yes, thank you, uncle.
ऐसी धूमधाम से शादी कराऊंगा कि पूरे मुंबई को नहीं पूरे इंडिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन। सच्ची अंकल? सच्ची। ये वादा रहा।